आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें। एक्सरसाइज है 1.2। तो 1.2 में हम क्या करेंगे, पहले बताएंगे उसका बेसिक, फिर एग्जांपल और जो टॉपिक ले रहा हूँ उसका रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम करवाएंगे। सबसे पहले देखो आप पॉइंट लेते हैं, या 1.2 कंप्लीट करवाऊंगा मैं, साथ में एग्जांपल भी हो जाएगा और बेसिक भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 1.2 में आपके देखो एक पॉइंट आपका ये पूछा जाएगा आपसे, रिक्त समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी, मतलब खाली, रिक्त मतलब खाली हो गया आपके। तो आपसे पूछ सकते हैं रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, कैसा दिखता है, तो ध्यान देना, जो भी आपके जो है ना रिक्त समुच्चय उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसा बनाकर बीच में से लाइन खींचनी है आप ऐसे। और अगर आपको ये नहीं आता बनाना तो आप ऐसा करके भी खाली छोड़ सकते हो बीच में। देखो ये वाला आपका नल सेट नहीं है, ये ध्यान रखना, अंदर कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये भी आपका राइट है और ये भी आपका राइट है, जिसे हम फाई कहते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आपको ऐसा साइन बना दो या फिर कॉलम के अंदर कुछ मत लिखो। अगर कुछ भी रहा ना, देखो अगर अंदर आपके जीरो है तो भी नल सेट नहीं, ध्यान रखना। देखो कैसे लिखते हैं, देखो अगर आपके ऐसे लिखा हुआ है तो नल सेट है, ऐसा है तो भी नल सेट है, और अगर दोनों मिक्स आ गए ना तो भी ये नल सेट नहीं है, और ऐसा भी आ गया ना तो ये दोनों नल सेट नहीं है। नल सेट को या तो आपको ऐसे लिखना है या आपको ऐसे लिखना है। अब ये होता क्या है, नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट होता क्या है, रिक्त समुच्चय क्या होता है? तो ऐसा है कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, समझ जाओगे आप। मतलब हम हमारे पास कोई लाइन दी हुई है, उसका कुछ आपको कोई उत्तर मिले ही नहीं, तो ये होता है आपके रिक्त समुच्चय। कैसे है? देखो ध्यान देना, कुछ एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा आप। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले बताया ना, इसको इस प्रतीक से करते हैं, ऐसा लिखते हैं आप। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि एक्स का जो वैल्यू है ना वो कैसा है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृत संख्या में है, मतलब ऐसा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। अब ये कह रहा है कि x का जो मान है ना वो कितना है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अब 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई नंबर ही नहीं है बीच में, पॉइंट हमें लेना है, हमें प्राकृत संख्या लेनी है, नेचुरल नंबर, तो केवल 1, 2, 3, 4 में से ही लेनी है, और 1 और 2 के बीच में कोई संख्या ही नहीं आ रही है। तो आप चाहो तो ऐसा बना दो या चाहो तो आप इसके बीच में खाली छोड़, मतलब या तो ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर है x²-2, अगर यहाँ पर देखो ये माइनस का है उधर भेज दो, हो जाएगा आपके प्लस का, स्क्वायर हट गया इधर, क्या लग जाएगा आपके वर्गमूल लग जाएगा, उत्तर क्या आएगा, √2। अब ये कह रहा है कि रेशनल नंबर आए, जबकि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, मतलब ये पूछ रहा है कि आपके परिमेय संख्या आनी चाहिए, जबकि ये क्या है, एक अपरिमेय है। हम पढ़ा हुआ क्लास 10th में √2 ये इरेशनल, मतलब √2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करो तो आपको पता ही है ना ये अपरिमेय है, तो इसका सॉल्यूशन परिमेय नहीं होता है, तो इसलिए इसके लिए क्या आएगा, आपके नल सेट। मतलब जो आपके यहाँ पूछा गया है वो आपको कभी मिले ही नहीं, तो उसके लिए आपको नल सेट का यूज करना है। अब यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, इवन भी है प्राइम नंबर भी है, तो देखो ये आपके प्राइम नंबर है, प्राइम मतलब होता है अभाज्य संख्या, ये है ना अभाज्य संख्या दे रखी है, तो ये संख्या इवन भी है और प्राइम भी है, लेकिन इसने कहा इससे ज़्यादा, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पर भी आएगा नल सेट। हाँ अगर 2 का पूछते तो यस उत्तर आपका क्या आता, ऐसे लिखते आप फिर, अगर होता, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं लिखा हुआ होता तो। अगला है आपके, इसका सॉल्यूशन निकालो, ऑड नंबर आना चाहिए। तो देखो अभी मैंने बताया था ना आपके, ये देखो सिंपल बताता हूँ आपको, x²-4=0, ये कह रहा है इसका आंसर जो है ना आपके ऑड नंबर में आना चाहिए, मतलब विषम संख्या आनी चाहिए। सॉल्व करो, उधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा। अब रूट निकालोगे तो क्या आएगा आपके, 4 का रूट क्या होता है, 2, प्लस माइनस 2, या तो आएगा प्लस का 2 या आएगा माइनस का 2,
और ये जो नंबर है ना ये ऑड नहीं है, ये क्या है, इवन संख्या है। इवन मतलब होता है सम संख्याएं हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कोई संख्या ऐसी जो उत्तर निकाला हम ना नहीं आई, तो या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं जो आपकी इसी के बारे में है, रिक्त समुच्चय के बारे में है। क्वेश्चन नंबर आपके वन दे रखा है, ये नल सेट के बारे में ही है आपके। तो इसमें पूछा है कि कौन सा आपके रिक्त समुच्चय कौन सा है, मतलब बताना है कि नल सेट कौन सा है आपको बताना है। सबसे पहला जो पूछा है कि दो से भाज्य विषम संख्या बताओ। इसमें पूछा है डिविजिबल बाय टू भी हो और ऑड नंबर भी हो, मतलब ऐसी संख्या बतानी इसमें दो का भाग भी जाए और वो ऑड नंबर भी हो। अगर मैं एक में भाग दूंगा या तीन में भाग दूंगा या पाँच में अगर दो का भाग दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा ही नहीं, तो ये क्या है आपके नल सेट है। तो आप ऐसा करके ऐसे बना सकते हो या फिर आप इस टाइप से भी लिख सकते हो। अगला है आपके सेकंड पॉइंट दे रखा आपके सम अभाज्य संख्या, इवन भी हो और प्राइम भी हो। सम मतलब होता है आपके इवन और प्राइम, कौन संख्या है वो बताया हुआ है आपको, अभी पिछले बताया था दो तीन पाँच। तो देखो ये सभी संख्या है तो आपके क्या है ऑड नंबर है, लेकिन ये क्या है आपके इवन है, तो इसका उत्तर आपके दो हो सकता है। तो ये आपका नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है आपका। अगला वाला देखो आपको क्या बताना है, ऐसा नंबर बताना है जो पाँच से बड़ा हो और सात से भी बड़ा हो, पाँच से भी मतलब पाँच से छोटा हो। ये क्या कह रहा है, पाँच से छोटा हो सात से बड़ा हो। तो आपको खुद के बताया कि देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये कह रहा है कि पाँच से तो छोटा होना चाहिए मतलब इसमें से कोई एक, और सात से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए मतलब इसमें से कोई एक। पाँच से छोटा सात से बड़ा ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, पाँच छोटा मतलब इसमें से उत्तर हो, ये कह रहा है इसमें से भी उत्तर हो, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो इसमें भी आए और इसमें भी आए, मतलब वो नंबर इधर भी आना चाहिए और इधर भी आना चाहिए, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, इसका मतलब यही होता है आपके। तो ये क्या है आपके नल सेट है, ऐसे ऐसे आप बना सकते हो। अगला है आपके दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट बताना है पैरेलल लाइन का। देखो अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो ये दोनों लाइन आपस में कभी मिलेगी ही नहीं, तो कॉमन पॉइंट इनका आएगा ही नहीं। कॉमन पॉइंट मतलब इसको भी टच करें इसको भी टच करें, इसके लिए आपके लिए पैरेलल लाइन काम नहीं आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन काम आएगी, आपस में एक दूसरे को काटने वाली लाइनें काम आएगी। तो पैरेलल लाइन में कभी कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, तो ये पॉइंट ऐसा है ना जो दोनों लाइनों टच करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर दोनों लाइनें समांतर है मतलब पैरेलल है और कॉमन ढूंढना है तो कॉमन आपको मिलेगा ही नहीं, तो इसीलिए ये क्या है आपके एक नल सेट है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी है जैसे। अगला पॉइंट है आपके परिमित मतलब फिनाइट, अपरिमित मतलब इनफिनाइट सेट। तो आपको परिमित के बारे में और अपरिमित के बारे में बताना है, फिनाइट कौन सा और इनफिनिट कौन सा है आपको बताना है। तो देखो सिंपल है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब रुक जाता है, मतलब ये समझो सिंपल के यहाँ पर भी नंबर आता है लास्ट में, तो आपके परिमित है ये वाला। अब देखो मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको अपरिमित के बारे में, तो ये ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, मतलब जहाँ पर इसका जो एंड है ना 3 डॉट के साथ हो तो ये वाला कहलाएगा। 3 डॉट के साथ एंड हो ना तो इनफिनिट है, मतलब रुकता ही नहीं है, इसका एंड ही नहीं है कभी। तो आपको सोचना है कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा आएगा या फिर ऐसा आएगा, जिसका एंड हो मतलब इसके जस्ट पहले कोई नंबर लिखा हुआ है एंड से पहले तो वो आपके परिमित है, और नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आपके अपरिमित है, ये ध्यान रखना। तो रेड कलर के लिए मैंने बता दिया ये वाला होगा और ब्लू कलर के लिए मैंने बता दिया ये वाला होगा। अब कैसे इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल भी लेंगे और क्वेश्चन भी लेते हैं। देखो एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ, बताना है कि कौन सा फिनाइट है कौन सा इन्फिनिट है, उत्तर निकाल दो, पीछे 3 डॉट आएगी तो ये हो जाएगा, डॉट नहीं आई तो ये हो जाएगा फिनाइट, कैसे देखो ध्यान देना। इसको सॉल्व करते हैं ना, देखो एक उधर भेजते हैं तो आपका जो एक्स का वैल्यू है ना वो क्या आएगा आपके 1 और यहाँ क्या आएगा आपके 2, इसके पास वैल्यू है,
तो ये क्या हो जाएगा आपके फिनाइट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपके परिमित हो जाएगा। ऐसे ही लिखी हो सेम लाइन, कोई है ही नहीं नंबर इसके अंदर कुछ इंग्लिश वाला। अब ये वाला तो ये कह रहा है एक्स का वैल्यू क्या है आपके नेचुरल नंबर है, और अगर हम सॉल्व करेंगे ना यहाँ पर तो देखो सिंपल है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4, तो एक्स का वैल्यू आएगा रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर हट गया रूट लग गया, कितना आया 2, तो इसका हम आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा आपके 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ना तो 2 आता है। तो ये भी क्या है आपके फिनाइट है, मतलब इसे कह सकते हो आप ये भी क्या है एक परिमित है। नेक्स्ट नंबर आपके ये दे रखा है तो इसको सॉल्व करेंगे ना आप तो क्या आएगा, तो वैसे 2x-1 इजिकल टू 0, इसको उधर भेज दो माइनस का हो जाएगा प्लस में, मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में। और ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, एन आना चाहिए, एन मतलब होता है नेचुरल नंबर, एन मतलब होता है प्राकृत संख्या आनी चाहिए, मतलब ऐसा उत्तर आना चाहिए, है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है, ये एक नल सेट है, लेकिन नल सेट तो है, उत्तर तो आ रहा है ना आपका, नल सेट तो है ना, तो इसीलिए ये क्या आएगा आपको 0, मतलब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है। फिर भी कोई संख्या नहीं भी होना तो भी फिनाइट कहलाता है आपके, तो ये वाला भी क्या होगा आपके परिमित होगा। उत्तर तो आपका पता है ना एक ही उत्तर है, बहुत सारे उत्तर तो है नहीं आपके, तो उत्तर ये क्या हो गया फिनाइट, मतलब कोई ऐसी नंबर ही नहीं है, नंबर नहीं होगा तो भी चलेगा, बस होने चाहिए बहुत सारे होने चाहिए तभी होता है आपके इन्फिनिट होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके दे रखा है एक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य मतलब होता है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर निकालो 2, 3, 5, 7। अब प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं, जैसे 11, 13 ऐसे चलते रहेंगे, बहुत सारे होते हैं जिनका रुकना नाम, मतलब यहाँ पर एंड दिया हुआ नहीं है, तो अब यहाँ केवल अभाज्य का है, मतलब केवल प्राइम नंबर का है, तो प्राइम नंबर का कोई एंड ही नहीं है, तो इसीलिए आपके ये क्या हो जाएगी एक इन्फिनिट नंबर हो जाएगा, जिससे हम कहते हैं अपरिमित होगा, ये अपरिमित होगा, इन्फिनिट सेट अपरिमित होगा। अगला है भाई आपके विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर, अब कहाँ तक एंड लिखा हुआ नहीं है, तो हम अगर इसका ऑड नंबर निकालेंगे ना ये आएगा 1, 2, 3, ऑड नंबर निकाल लेना विषम संख्या, तो 1, 3, 5, 7 करते रहो ऐसे, 3 डॉट के साथ एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंड होगा ही नहीं इसका, ऑड नंबर तो बहुत सारे होते हैं, विषम संख्या तो बहुत सारी होती है, 1, 3 जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो संख्या है, तो ये भी क्या है आपके इन्फिनिट है, ये मतलब ये क्या है आपके अपरिमित है ये वाला ऐसे। और लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं हम, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो बताना है कि आपको इसमें फिनिट कौन सा और इन्फिनिट कौन सा है बताना है, परिमित कौन सा अपरिमित कौन सा है बताना है। सबसे पहले है वर्ष में महीनों का समुच्चय बताना है, आपको बताना है मंथ कितने होते हैं साल में, तो देखो स्टार्ट कहाँ से होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करते करते जो एंड है ना वो कहाँ पर होता है आपके दिसंबर पर एंड होता है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू लिखा हुआ हो ना इससे जस्ट पहले तो वो क्या होता है आपके फिनाइट होता है, मतलब आपके क्या होता है वो परिमित होता है, उसका आंसर ये परिमित है। यहाँ पर तो देखिए ऑलरेडी आपके बनाया हुआ है, ये देखो सबसे पीछे जो है ना 3 डॉट है, इसका मतलब ये क्या है इन्फिनिट है, इसके पीछे देखो जस्ट इसके पीछे नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है आपके फिनाइट है, मतलब ये आपका अपरिमित है ये आपका परिमित है, यहाँ और यहाँ सेम लिखा हुआ है, तो ये आपका परिमित है ये आपका परिमित नहीं है, देख लेना ये लिखा हुआ है मैंने। अब है आपके 100 से बड़े धन पूर्णांक, आपको लिखना है पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जो 100 से बड़ा हो, 100 से बड़ा कौन है, तो ये हो जाएगा आपके मतलब इस टाइप से लिखना है, तो ये हो जाएगा आपके 101 102 103 लिखते जाओ एंड ही नहीं, 100 से बड़े बहुत सारे नंबर है, तो ये भी क्या है आपके इन्फिनिट है, मतलब ये भी क्या है आपके अपरिमित है। अगला वाला है 99 से छोटा, आपको बताना है अभाज्य, मतलब प्राइम नंबर बताना है जो 99 से छोटा हो और अभाज्य हो, तो कौन सा नंबर है, स्टार्ट होता है 2 से 3, 5, 7 ऐसे लिखते जाओ, अब कहाँ तक लेना है 99 तक ही लेना है, तो 99 से जस्ट पहले नंबर जो है ना आपके 97, ये भी आपके एक अभाज्य संख्या है, तो हमें 1 से लगाकर
ये 99 के बीच में, तो यहाँ पर भी नंबर आ रहा है, तो ये जो नंबर है ना ये आपके हो जाएगा फिनाइट, मतलब ये इसे हम कहते हैं परिमित कहते हैं, तो ये परिमित होगा। बस आपको ऐसी टेबल बनानी है, इस टेबल में पीछे यहाँ पर 3 डॉट आ रही है तो फिनाइट नहीं आ रही है, मतलब यहाँ पर नंबर लिखा हुआ ना तो फिनाइट है, और नहीं लिखा हुआ नंबर तो इनफिनाइट है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही चीज है, बताना है कि आपको परिमित या फिर अपरिमित बताना है, फिनाइट या फिर इन्फिनिट बताना है। सबसे पहले एक्स अक्ष के समांतर रेखा, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखो ये आपका है वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। अब हमें क्या करना है, लाइन बनानी है एक्स अक्ष से पैरेलल। तो देखो ये भी एक्स के पैरेलल है, समांतर है, ये भी है, ये भी है, इधर भी है, यहाँ भी है, तो बहुत सारी लाइन है, इन्फिनिट लाइन्स है, तो यहां पर क्या आएगा आपके, इन्फिनिट आएगा, जिसे हम कहते हैं अपरिमित कहते हैं, तो वो आएगा। तो आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और बताना है कि क्या हो रहा है उसमें। सेकंड आपके दे रखा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, मतलब लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या कौन सा नंबर है वो, ए बी सी ऐसे ऐसे, लास्ट कौन सा है आपके, जेड है, तो एंड में यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, मतलब इसकी संख्या को हम गिन सकते हैं, टोटल 26 है, 26 नंबर है, इसका मतलब ये क्या है आपके, फिनाइट है, मतलब इसको हम कह सकते हैं अब, मतलब परिमित है ये, क्या ये परिमित है, फिनाइट कह सकते हो ये वाला। नेक्स्ट पॉइंट है आपके 5 से गुणज, जिसमें 5 का भाग जाए वो संख्या बतानी है, मल्टीपल ऑफ 5, जिसमें 5 का भाग जाए कौन सी संख्या है वो, 5, 10, 15, 20 ऐसे रुकेगी नहीं है, पीछे आप क्या आएगी, 3 डॉट्स आएगी, इन्फिनिट नंबर है, तो ये क्या आएगा आपके, इन्फिनिट नंबर आएगा, मतलब ये क्या होगी आपके, अपरिमित संख्या होगी। अगला है भाई आपके पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, एनिमल बताना है, एनिमल ऑन द अर्थ। अब एनिमल की गिनती तो होती रहती है, कितने शेर है, कितने कुछ है, तो आप गिन सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि गिना नहीं जा सकता, गिन सकते हैं, चाहे वो खरब में है, चाहे अरब में है, चाहे कितने भी है, उनको गिना जा सकता है, इसलिए क्या होगा आपके, ये फिनिट होगा, मतलब ये क्या होगा आपके, परिमित होगा, गिना जा सकता है, गिनना चाहो तो गिन सकते हो आप। अगला है आपके मूल बिंदु, मूल बिंदु बोलते हैं ओरिजिन, 0 0, मूल बिंदु से होने वाले वर्त, वर्त बताने हैं, इससे गुजरने वाला सर्कल, देखो ध्यान देना, ये आपका है मूल बिंदु, यहाँ से आपको निकालना है सर्कल, कितने सर्कल निकलते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5, बहुत सारे निकलते हैं, इन्फिनिट नंबर, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें निकलती है, एक पॉइंट से बहुत सारे सर्कल भी आप बना सकते हो, तो इसकी कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट, तो यहाँ क्या आएगा आपके, इन्फिनिट, इसका मतलब होता है आपके अपरिमित, इन्फिनिट नंबर होगा, अपरिमित ये आ जाएगा आपका। नया पॉइंट है आपके समान समुच्चय, समान मतलब होता है इक्वल समुच्चय। अब इक्वल में क्या आएगा, मतलब जो उत्तर आपके ए का है वो किसी और का भी उत्तर आना चाहिए, तो ये हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हर एक को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और जो जो बराबर मिलता है वो उत्तर हो जाएगा आपका। सबसे पहले देखो ए का उत्तर तो आपके दे ही रखा है, तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हर एक को ऐसे बनाना है आपको। तो देखो ए का वैल्यू तो आया है आपके 0, अब बी का वैल्यू लेते हैं, तो हम क्या करते हैं बी का वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, एक्स कितना होना चाहिए, 15 से बड़ा होना चाहिए, और 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब 15 से बड़ा 5 छोटा सा कोई नंबर ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ऐसे लिखो केवल ओनली, या आप चाहो इसे नल सेट भी कह सकते हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है तो 5 से छोटा होगा और 15 से बड़ा होगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है, 15 से बड़ा नंबर तो है लेकिन एक्स से छोटा भी होना चाहिए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। जैसे मान लो मैं लेता हूँ 20, ये नंबर 15 से बड़ा तो हो गया बट ये 5 से छोटा नहीं है, तो ऐसा कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिले ना आपको, तो उसके लिए या तो बीच में कुछ लिखो ही मत, या उसे नल सेट ऐसे लिखते हैं हम, ये नल सेट है, ये पाई के रूप में हम लिखते हैं। अब हम लिखते हैं सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू क्या है, ध्यान देना ये दे रखा आपके, इसको सॉल्व करेंगे ना तो माइनस का है इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा। अगला लेते हैं डी पॉइंट, डी में देखो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर 25 लिखा हुआ, तो देखो स्क्वायर हटा
इधर से इधर क्या लग जाएगा, आपके वर्गमूल लग जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, जिसमें प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा। तो डी का वैल्यू क्या हो गया आपके, प्लस का 5 एंड माइनस का 5। इसके बाद हम लेते हैं ई पॉइंट। ई पॉइंट में लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सॉल्व करेंगे तो क्या उत्तर आएगा आपके, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है कि भाई गुणा करने पर तो आपके आता है कितना, 15, घटाने पर आता है आपके 2, तो ये होता है आपके 5 या 15। अब क्या 5 या 15 होते हैं, अब यहाँ पर माइनस है तो एक आएगा माइनस का और एक आएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा आपके, बड़ा वाला हो जाएगा माइनस का और छोटा वाला हो जाएगा आपके प्लस का। इसको सॉल्व करने पर ये उत्तर आता है x माइनस 5, x प्लस 3 आता है। और जब इसको सॉल्व करेंगे ना आगे, तो x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस का 5 और x का वैल्यू आएगा माइनस का 3, इधर भेजते साइन चेंज हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि आपको केवल धन पूर्णांक लेना है, धन मतलब होता है पॉजिटिव नंबर लेना है, प्लस वाला नंबर लेना है, तो इसका उत्तर क्या होगा आपके, इसका उत्तर होगा आपके 5, और सी का उत्तर भी कितना है 5। तो सी का उत्तर 5 है, ई का उत्तर 5 है, बाकी किसी का भी उत्तर मैच नहीं कर रहा है। इसका 0 आ रहा है यहाँ पर, आपके बीच में 0 भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर प्लस 5 माइनस 5 आ रहा है, तो केवल सी और ई का उत्तर ही सेम है। तो हम लिखेंगे सी बराबर है ई के, बस ये दो ही वैल्यू बराबर है, ये वाला और ये वाला, बाकी कोई किसी से मैच नहीं करता है। इसे कहते हैं समान समूचे, कहते हैं समान समूचे, यही है आपको सबके उत्तर निकालने हैं, जो उत्तर सेम आ जाए। तो और एग्जांपल लेते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, और क्वेश्चन लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में 8 में भी आपकी यही है, बताना है समान सेट है या नहीं। तो पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या करना है, ऐसे ए लिख दो ऐसे ही, तो हमें इसका उत्तर भी निकालना है और फिर हमें बी का उत्तर भी निकालना है। यहाँ एक्स लिखा हुआ है तो आपको ऐसा करना, एक्स लिख देना है ऐसे, एक्स का भी निकालना है और बी का भी निकालना है। इसको हम ऐसे समूचे दिन, मतलब आपको रोस्टर रूप में लिखना है, तो कैसे करो ध्यान देना, ये जो नाम लिखा हुआ ना, एक एक नाम लेना है आपको, ए आएगा, एल आएगा, ओ आएगा, वाई, तो ए एल ओ वाई। अब अगर हम लॉयल में देखेंगे ना, तो सबसे पहले आपके एक तो एल है, ओ है, वाई है एंड ए है, एल वापस नहीं लिखना आपको, तो जो यहाँ लिखा हुआ है सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो वाई वाई, ए ए, एल एल ओ ओ, दोनों बराबर है, तो आप लिख देना एक्स इजिकल टू क्या हो गया आपके बी, मतलब ये दोनों समान समुच्चय है, जो उत्तर आपके इसमें है वही उत्तर आपके इसमें है, दोनों ही समुच्चय समान है, दोनों ही सेट समान है, इक्वल सेट है। अगला हम लेते हैं ये वाला ए और बी, तो ये फर्स्ट वाला हमने कर दिया यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर करता हूँ सेकेंड वाला, सेकेंड वाले में ए बी है, तो मैं यहाँ लेता हूँ ए, इधर लेता हूँ मैं बी। अब यहाँ लिखा हुआ है कि आपको एन का मान लेना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन कितना है, जेड है, जेड मतलब उत्तर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, सिंपल नंबर। और 4 का रूट निकाल, देखो ध्यान देना, 4 का हमने यहाँ पर वर्गमूल निकाला तो क्या आया, प्लस माइनस 2, और ये कह रहा है जो उत्तर आएगा ना वो आपके जेड होगा, मतलब सभी नंबर। यहाँ पर देखो 4 छोटा नंबर का है, छोटा नंबर मतलब आप चाहो तो यहाँ पर प्लस 2 मतलब माइनस 2, माइनस 1 0, प्लस का 1 प्लस का 2, ये है इसका मतलब, मतलब आपको 4 से छोटे नंबर ऐसे नंबर लेने, देखो इसका पहले वर्गमूल निकाल लो, 2 आ गया। अब हमें ये बराबर भी कह रहा है, छोटा भी कह रहा है, तो बराबर देखो 2 से छोटा कौन है, ये 1 2, तो आपको क्या करना है 2 से छोटे नंबर लेने हैं, ऐसे आपको लेना है। अगला पॉइंट देखो आपके बी पॉइंट, बी पॉइंट में इसको हल करेंगे हम, अगर इसको हल करते हैं ना तो उत्तर आपका ये आता है, कौन सा नंबर, गुणा करने पर 2 आता है, घटाने पर 3 आता है, तो वो जो नंबर है ना वो ये हो जाएगा आपके एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1, ये उत्तर होगा आपका। और सॉल्व करोगे तो माइनस का बाहर आकर क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस का बाहर आकर बन जाएगा प्लस, जो इसमें है वो इसमें मिल रहा है लेकिन पूरा ना मिल रहा है, पूरा का पूरा मिलना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर भी 1 2 है लेकिन बाकी के नंबर नहीं मिल रहे हैं, ये नंबर जो है ना इसके अंदर नहीं है, तो ए और बी दोनों बराबर नहीं है। तो पूरा जो यहाँ पर लिखा हुआ सेम पूरा का पूरा यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, पूरा कॉपी होना चाहिए,
तभी ये इसके बराबर होगा, तभी हम कह सकते हैं इक्वल सेट है या समान समुच्चय है, और नहीं मिल रहा है तो इक्वल समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके इस समय है, आपके ऐसा ही दे रखा है, इक्वल बताना है। तो देखो सिंपल है, जो आपके इधर लिखा हुआ है सेम आपके इधर लिखा हुआ है, ए ए मिल रहा है, बी सी डी यहाँ पर भी, ए बी सी डी यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब है इसके लिए आप लिख सकते हो ए इक्वल है आपके बी के, फर्स्ट के लिए, दोनों एक ही चीज़ हैं। 4, 8, 12, 16, 4, 8 तो मिल गया लेकिन 16 भी मिल गया, लेकिन यहाँ पर 12 आया जबकि यहाँ पर 18 है, इसका मतलब है कि ए और बी बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, ऐसा देखना। सेकंड वाले का उत्तर आएगा ये दोनों बराबर नहीं है। अब ये वाला 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पर है आपके सम नंबर, सम मतलब यही 2, 4, 6, 8 और यहाँ लिखा हुआ 10 या 10 से छोटा, तो आपको पता है इसका उत्तर भी यही होता है 2, 4, 6, 8, 10, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है और इवन नंबर है। तो देखो इवन नंबर है ना, ये सम संख्या है और 10 के बराबर भी है और 10 से छोटी भी है, तो ये सभी 10 के बराबर और छोटी है, तो जो इधर लिखा हुआ है सेम इधर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ए और बी क्या हो गया आपके बराबर हो गया। अब हमें फोर्थ पॉइंट देखना है, फोर्थ में देखो यहाँ पर लिखा हुआ लाइन का मतलब ढूंढना है पहले, तो फोर्थ वाले में ध्यान लगाना आप, यहाँ पर लिखा हुआ मल्टीपल ऑफ 10 जिसमें 10 का भाग जाए वो नंबर कौन सा है, 10, 20, 30, 40 ऐसे करते करते नंबर है आपके, तो ऐसे आप 3 डॉट लगा सकते हो ऐसा। फिर हम बी, बी का वैल्यू क्या है ध्यान देना, बी का वैल्यू दे रखा है ये वाला 10, 15, 20, 25, 30 और ये भी आपके 3 डॉट है, जैसा ये है सेम कॉपी ये होना चाहिए। देखो यहाँ पर 15 और 25 है जबकि इसके 15 25 में नहीं है, इसका मतलब है ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बताना सेम, इसमें बताना कौन सा समान समुच्चय है बताना, आपको इक्वल सेट बताना है। तो यहाँ पर देखो सिंपल तरीका है, हम ए को भी सॉल्व करेंगे बी को भी, तो सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं, ए का वैल्यू आपके दे रखा है 2, 3 और बी का वैल्यू आपके ये दे रखा है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पर आपके आता है ये वाला x+2 and x+3, ऐसा नंबर जो गुणा करने पर 6 आए जोड़ने पर 5 आए, तो वो है आपके 2 और 3। तो सॉल्व करेंगे ना, इसका वैल्यू बाहर निकालेंगे ना, तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये ऐसा हो जाएगा -2 and -3, तो ये और ये दोनों बराबर नहीं है, ये वाला कारण तो आप लिख सकते हो, इसका वैल्यू बराबर नहीं है। अब लेते हैं हम सेकंड वाला, सेकंड वाले का ए लेते हैं हम, इसमें देखो ये अक्सर लिखे हुए हैं आपके फॉलो, ये लिखा हुआ है लेटर इन द वर्ड फॉलो लिखा हुआ है, तो इसको लिखना है तो क्या करोगे, पहले एफ आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एल आएगा और फिर क्या आएगा आपके डब्लू, हर एक नंबर एक एक बार आएगा। फिर हम लेते हैं यहाँ पर बी लेते हैं, अब बी में देखो यहाँ पर ये दे रखा वॉल्फ और चारों अलग अलग हैं, तो WOLF, इधर भी 4 नंबर इधर भी 4 नंबर मैच तो कर रहा है। अब आगे देखो ध्यान देना, F दोनों में है, L भी दोनों में है, O भी दोनों में है, W भी दोनों में है, इसका मतलब है A इक्वल क्या होगा आपके B हो जाएगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके दे रखा है कौन सा समान समुच्चय बताना है, इक्वल सेट कौन सा है आपको ये बताना है, समान समुच्चय सिंपल है, जो आपके देखो आपके बिल्कुल सेम एक जैसा दिख रहा है वो कहाँ पर है, देखो 2, 4, 8, 12 ये जो है ना, और किस में है क्या कहीं पर, 4, 8, 12 तो है लेकिन आपके 2 नहीं है, और कहीं पर है क्या, कुछ भी नहीं। ये वैल्यू जरूर देखो, इसमें 1, 2, 3, 4 है, इसमें भी 1, 2, 3, 4, इसका मतलब है बी और डी क्या है आपके बराबर है, एक उत्तर तो आपके मिल गया, और कोई मिल रहा तो देख सकते हो -1, +1 ये भी मिल रहा है आपके, देखो ये उत्तर जो है ना सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ई और जी भी क्या है आपके बराबर है, और तो कोई मिल रहा है तो देख सकते हो आप, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा आपके बराबर है, तो बी और डी बराबर है, ई और जी बराबर, बाकी के वाले बराबर नहीं है, इक्वल सेट नहीं है। तो ये हो गया कंप्लीट आपके, मैंने बेसिक भी बताया है, क्वेश्चन भी बताए हैं, एग्जाम्पल भी बता दिए।
अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।